पिछले वीडियो में हमने पाठ को पढ़ना स्टार्ट किया चतुराकाश, जिसमें हमने जाना था कि आकाश को गिरती हुई बर्फ देखना बहुत पसंद था, तो अपने माता पिता के साथ मनाली जाता है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होने के कारण उसकी माँ बीमार हो जाती है और वैद्य के कहने पर वे लोग जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना पहली बार रीछ से होता है। आकाश अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक रिकॉर्डर में शेर की आवाज बना देता है, जिससे कि बीच वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह से फिर वो अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, ठंड जो है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बर्फ भी बहुत अधिक बढ़ गई थी, साथ ही साथ बहुत अधिक कोहरा छाया हुआ था। फाइनली वे शाम होते उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वह पेड़ था। पेड़ को देखकर उनको थोड़ा सुकून मिला, उन्होंने अपना तंबू लगाया, हाथ मुंह धोए और खाना खाया। खाना खाने के बाद उनको वहां पर शेर की गुर्राने की आवाज आई। साथ ही साथ खच्चर वाले ने तंबू के बाहर अपने खच्चर को बांध दिया। शेर की गुर्राने की आवाज सुनकर तीनों लोग बहुत घबरा गए कि अब क्या किया जाए, लेकिन आकाश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए वही अपना टेप रिकॉर्डर लगाया। इस बार उसने ऐसा टेप रिकॉर्डर स्टार्ट किया जिसमें से बंदूक और तोप की आवाज निकली। जैसे ही उसके स्टार्ट करने पर बंदूक और तोप की आवाज निकलना प्रारंभ हुआ, शेर घबरा गया। उसने इधर उधर देखा और वह भी डर कर वहां से भाग गया। अब उनको इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर को वहां से भगा दिया, लेकिन खच्चर वाले ने कहा कि अब हमें यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, हमें जल्दी से पेड़ की छाल निकालकर और यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद आकाश ने तुरंत अपने बैग में से चाकू निकाला और पेड़ की छाल को निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपना सारा सामान वापस से पैक किया, खच्चर के ऊपर रखा और शाम के समय वे वापस लौट चले। जब वे वापस लौट रहे थे तो इस बार ना उनको शेर मिला ना ही रीछ मिला और वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वे तीनों बहुत खुश हुए। इसके बाद वे दूसरे दिन अपने होटल में पहुंचे और वेद को वह छाल जो दी। उसके बाद वेद ने उस छाल को उबालकर उसका पानी की मां को पिला दिया। अब खच्चर वाले ने जब गांव वालों को बताया कि वे किस प्रकार से उस पेड़ के पास तक पहुंचे, तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही साथ उन्होंने आकाश की चतुराई की भी तारीफ की। उसके माता पिता बेहद खुश थे कि हमारा बेटा इतना समझदार है और इतना साहसी है कि वह अपनी माँ की जान बचाने के लिए इतनी दूर से पेड़ की छाल लेकर आया। तो ये था हमारा पाठ चतुराकाश। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। धन्यवाद।